150 महिला संग धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिलाओं की शिकायत पर शहर की भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में सोमवार को वर्ल्ड ट्रस्ट डायमनी संस्था के अध्यक्ष समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत करने वाली महिलाओं में से एक पल्लवी धीरज महागरे ने आरोप लगाया है कि वर्ल्ड ट्रस्ट डायमनी संस्था के जरिए 150 महिलाओं को अगरबत्ती, मोमबत्ती और कागज की थैली बनाने का काम दिलाने का आश्वासन दिया गया था। संस्था का सदस्य बनाने के नाम पर सभासद फीस व आकर्षक ब्याज देने का लालच देकर प्रत्येक महिला से 651 रुपए लिए गए। इन महिलाओं से कुल मिलाकर 109,650 रुपए गलत ढंग से वसूले गए, लेकिन इनका रोजगार शुरू नहीं हुआ। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के अध्यक्ष मनीष काशीराम लोकरस, सुनीता दास और जयश्री कोपरटेकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।